यहूदा निसारा इसराइल के पीछे खड़े हो गए हैं, उन्होंने स्टैंड लिया उसके खिलाफ, उसके उसके हमायत में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, दिस इज शेफ साजिद एंड वेलकम टू आवर YouTube चैनल एंड अ न्यू व्लॉग। सो होपफुली गाइज आप सब ठीक होंगे, और हमारा फ़िलहाल टाइम जो है वो डाउन फेज में चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल आज हमारी असाइनमेंट थी और यूनिवर्सिटी में पहुँच चुके। आपसे मैं हाल चाल ही पूछा यार, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भैया, आप सुनाएं? ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आपको मैं बताऊँ तो भाई, आज मैं इससे क्लास ले रहा हूँ पर्सनली, क्योंकि बाइक तो हमारी चोरी हो गई है। तो इस वजह से अब कौन सी क्लास ले रहा हूँ? लिफ्ट लेने वाली क्लास, जो कि मैंने शुरू की थी फर्स्ट सेमेस्टर से, और आज एट्थ सेमेस्टर, अल्हम्दुलिल्लाह कभी रिक्शे पे नहीं आना हुआ। हाँ तो यार भाई साहब, ये मतलब महीने का कुछ 6,000 रुपये बनता है, ये 3,000-4,000 बनता है रिक्शे का किराया। तो आज से मैंने जो है ना, कल मैंने एक्चुअली क्या किया कि एक वो पिज़्ज़ा बॉय से मैंने लिफ्ट ले कर फिर गया हूँ वापस। तो आज से मैं जो है ना, अभी वो मुझे ट्रेनिंग दे रहा है कि ऐसे ऐसे रोक के जो बंदा जहाँ पर मिले जहाँ तक ले कर जाए उसके साथ ही जाना है। ऐसे ही है यार, बिल गेट्स कहते हैं ना कि जो चांस मिलने से गवाना नहीं चाहिए, तो पहला चांस होता है उसको पकड़ो, फिर बाकी देखी जाएगी आगे की। सो फिलहाल अभी असाइनमेंट उसके प्रिंट ले लें, फिर आपको मिलते हैं। सो गाइस देखें, माशाल्लाह आज आते आते हमारी क्लास पढ़ने लगी है, और सारी क्लास इधर बैठ के पता नहीं क्या लिखी जा रही है। असाइनमेंट क्या लिख रही है यार ये? जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा असाइनमेंट। क्या लिख रहे हो? क्या लिख रहे हो? असाइनमेंट बना रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं बनाई, मेरी भी कोई बना कर ही लाया, और थैंक यू जो बना कर लाया। ऐ व्लॉग मैडम नहीं बना, ये मैं शेयर करना है मैम। पकड़ेंगे तभी। हमने प्रिंट ले लिए हुए हैं और हम जा रहे हैं क्लास में, और आपको बताऊं तो हमारी सारी क्लास अभी भी कैफ़े में बैठ के अपनी असाइनमेंट बना रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आवाम बैठी हुई इंजॉय कर रही है सारी की सारी। और फिलहाल अभी चलते हैं सीधा क्लास में, फिर मिलते हैं। सारे हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, और राणा साहब भी बदल गए यार। ये देखो इतने लंबे बाल थे, कटिंग शटिंग करवा दी, ये पप्पू शप्पू बन गए यार। बाल सुना यार आपने, इतने प्यारे बाल थे, आपने क्यों कटवा दिए? यार बस आपको पता, न्यू क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं आप। अच्छा, इसलिए मैं भी कहा थोड़ा चिल कर ले, हम भी लास्ट सेमेस्टर में चले जाना इधर से। तो यार आपको बाल वैसे बहुत अच्छे लगते थे यार, है ना? फबते थे, है ना? फबते थे। आपकी पर्सनालिटी इधर दिखाओ, मुझे भी छोटी करवा। ये देखो आप, मुझे सब गाइस को दिखाएं, फुल नीचे से ये ब्लैक क्यों दिखाना चाह रहा है? मैं बताता हूँ, मैं ये क्यों दिखाना चाह रहा है। ये इसने कंपनी से लिया ना ट्रोजर, लिया 7,000 का ट्रोजर लिया, ये कह रहा फुल लुक दिखाओ। भी दिखाएंगे, ये वन ब्रांड का ट्रोजर है, ये साहिवाल से लेके आए हम, कितने का लेके आए ये बताएंगे आपको। मैं छूट के बोला लंडे चंडे चला। तो बाबा ये कौन सी कंपनी ने आपको दे दी है? यार ये वन ब्रांड की ना, मैं थोड़ी वो उनकी ना एड्स वगैरह है उनकी थोड़ी मैं कर रहा हूँ, तो इसीलिए उन्होंने ना मुझे वो किया। क्या करते हैं स्पॉन्सर? स्पॉन्सर मोनेटाइज यार, वो तो चैनल्स होते हैं। क्या बात है भाई साहब, हम भी कोई ऐसी कंपनी ढूंढते हैं यार, हमें कपड़े शपड़े तो आएंगे। क्यों आप फाइव ब्रांड को ज्वाइन करें? अच्छा, आपको मैं एक फॉर्म भेजूंगा, आप उसको ज्वाइन भाई जो कंपनी को आना चाहिए फॉलो करता है ना, उसमें अटेंडेंस भी होती है, हम उस कंपनी को फॉलो नहीं कर सकते। ये कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं? ये भाई ये कंपनी और अटेंडेंस होती है, उसमें 3 अटेंडेंस अगर आपकी शॉर्ट हो जाएगी ना, आपको ग्रुप से बाहर निकाल देंगे। नहीं मतलब कंपनी का नाम वगैरह क्या है, कौन सी कंपनी? वो यार वो सीक्रेट कंपनी है, सीक्रेट कंपनी है एक। यूनिवर्सिटी में ग्रांट आई है, तो इस वजह से अभी पौधे शौधे लग रहे हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए जरा, ग्रांट हर दफा ही आती है। क्यों राणा साहब, ग्रांट आई है यूनिवर्सिटी? बिल्कुल, ये देखो आपके सामने, ये देखो कितने अच्छे अच्छे पौधे लगा रहे हैं। तो पौधों के अलावा अभी कुछ होना चाहिए? पौधों के अलावा आपको इतना कुछ तो न्यू दे दिया यार, आप देखते हो इंजॉय करते हो, और इसके अलावा आप क्या देख सकते हो? एकदम जज्बात बदल गए लोगों के, हालात भी बदल गए, कुछ लोग काले फिटे हो गए। ये क्यों, इसके बारे आपका क्या कहना है यार? ये भाई बर्गर बच्चे मम्मी डैडी देखा, शरीफ आदमी इस जैसे एक दो शरीफ और आ गया ना, बस फिर। बाबा जी आप सारे कैफे पे हम बैठते हैं, लेकिन इस कैफे के बारे में क्या आपका ख्याल? बाबा जी इस कैफे के बारे में ये ख्याल है, यहाँ से हमारी बड़ी प्यारी मैडम गुजर के जाती है, डॉक्टर मोमना। अच्छा, इस वजह से डर की वजह से कोई इधर वाली साइड पे बैठता ही नहीं। दरअसल ये 2-3 बंदे पकड़े गए थे ना यहाँ भाई, 2-3 क्या बसता फिर ये भाई, भाई इधर मुकरना शहजाद, ये देखो तू भी पकड़े गए, कितना नूर आया हुआ है। नूर नहीं, मैं मोमना ने आप लोगों को यहाँ पे पकड़ा था ना, सलाम बड़ी पकड़ा था भाई, मुझे नहीं पकड़ा, मुझे कहाँ से पकड़ा भाई, क्या बच गया था मैं, बच गया शहजाद पकड़ा गया था सलाम की बाजी के साथ। ये आपस को आज क्या हो गया?
ये हाफिज है, ये भी ये देखो हाफिज है, हाफिज़ वाले काम है इसके कोई? अल्लाह हाफिज लग रहा है। ये तो अल्लाह हाफिज है, हाफिज। आपको एक और बताएं, हमारी क्लास में अरसलान अफजल पढ़ता था जी जी, वो हाफिज है। अच्छा वो भी हाफिज है? बाबा जी हाफिज है, अरसलान अफजल हाफिज है बाबा जी। दो दफा उसने पढ़ाया ना, तराबियां पढ़ाई उसने। यार वैसे तो रहीम शाह भी हाफिज है, इमरान हाशमी भी हाफिज है, तो हाफिजों की तो क्या ही बात है। ये भी हाफिज, और ये भी आपको गाइस बताएं तो ये भी हमारे हाफिज हैं। ये देखो यार मैं तो शरीफ हूं, ये बहुत ज्यादा शरीफ है भाई। ये बताएं आप पूरी यूनिवर्सिटी में फेमस पर्सनैलिटी हैं, आपको क्या सीखने को मिला यहाँ पे? यार मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको डिग्री जब मिलेगी ना, अच्छा डिग्री जस्ट लाइक अ पेपर। अच्छा आगे मुझे आता मैंने मतलब उसका पेपर ये कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। 32 एंड टेक इट। हाँ ये देखो वो उसने पूरा किया। तो मैं तो आपको कहूँगा इधर आओ, इंजॉय करो, इंजॉय करो। क्या खाओ? दोस्त बनाओ, कैफेज में बैठो, फ्रेंड्स बनवाओ, उनसे पराठे मंगवाओ, नाश्ता मंगवाओ, असाइनमेंट्स बनवाओ। अच्छा बस मैं तो ये कहूँगा यार आप इधर चिल करो, जिंदगी जो करना है वो करो। पता यार लास्ट सेमेस्टर है आप, क्या मतलब कैसा फील होता है आप? यार वो मैं आपको नहीं बता सकता कैसा नहीं आपने मतलब क्या कटिंग शटिंग करवा दी यार, मतलब क्या सोच के ये सब? ओ यार मैं आपको नहीं बता सकता मैंने क्यों कटिंग। हाफिज मतलब हंसा क्यों अभी? हाफिज क्यों हंसा? हाफिज की एक ना बंदे को देख के इसको एक डायलॉग याद आ, हाफिज की क्रश जा रही थी। अच्छा क्रश, हाफिज बस क्रश ही बनाता है, हाफिज क्रश बना, गलत हाफिज है ना, हाफिज है जस्ट, इसको ये है कि अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को देखता है बस। माशाल्लाह माशाल्लाह कहना चाहिए यार, बड़ा स्वाद है तेरे भाई का। अच्छा पिछला व्लॉग डाला था पुंडी चौक का, ये वाले पुंडी चौक का, तो वाकई इधर पुंडी छुंडी होती है ये आले ने सुबह सुबह आया करो, सुबह सुबह अभी नेक्स्ट मंथ बताया, ये भरा होता भाई फुल, सुबह सुबह बच्चियां पूरी कर रही होती बच्चों का 8 बजे वो बाबा जी। मैं इधर आके शर्म का मारा इधर को नहीं आता, उधर को चले जाता हूं भाई। अच्छा मैं उधर को चले जाता हूं पीएचपी की तरफ। यार यहां पे तो उल्टा सीन चल रहा है यार, इधर से लेकर वो पीएचडी ब्लॉक कर देगा, बता कौन रहा है यार आपस में। यार क्या हो गया, कभी की मैं किसी को नहीं देखता। अच्छा मैं लेट आता हूं भाई 9:30, आपको पता है टाइम के लिए क्लास से टाइम हम आते हैं, फ्रेश होकर हम क्लास में चले जाते हैं भाई। चोरी होते साथ ही मोटरसाइकिलों की कीमतों में कमी पेश हो गई है, तो अभी अभी जो है ना इन्होंने बजट पेश किया है, कम कर दिया है। मैंने नहीं पेश किया, हुकूमत ने किया। सीडी 70 की नई प्राइस आ गई है, क्या प्राइस है? 1 लाख किनी थी 57 थी आई थिंक 57 थी। हाँ 1,57,000 का है सीडी 70 और 125 ER 2,34,000 रुपये का सादा, 2,34,000 का जो सिंपल होता है, एक सेल्फ स्टार्ट होता है, वो कितने का है? वो है 2,87,000। और बंदा मतलब ले ही नहीं सकता यार, 3 लाख और भी चीजें सस्ती होगी यार, डॉलर देखो ना कम हुआ है तो जाहिर बात है जो उसके स्पेयर पार्ट है तो उनमें भी कमी आएगी। हाँ ये तो आज हम जा रहे हैं ब्रिज कैफे में, भाई किसी के मुंह में ना दे देना मोबाइल। तो गाइस आज हम ब्रिज कैफे में जा रहे हैं जी, क्या खाने यार देखते हैं। हलीम उधर का हलीम कह रहा है, शहजाद कह रहा है कि हलीम वहाँ का बहुत अच्छा होता है और फिर ट्राई करना चाहिए। मैंने कहा चलो फिर करते हैं और फिर आपको दिखाते भी हैं कैसा है, क्या सीन है। अभी मुझे कोई खुद भी मतलब टेस्ट नहीं किया यहाँ का हलीम। हाँ चलो देखते हैं फिर आज। ओके चलो चलते हैं जल्दी से। ओ माई गुडनेस आपको दिखाते हैं लेजेंड्स, हमारे लेजेंड्स जो कि मतलब क्लास हैंड होते साथ ही गायब होते हैं, और कहाँ पर बैठे हुए हैं वो भी आप देखें। ये देखें ये देख लो इसके काम। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ पे बैठे हो ये अभी? मैं यहाँ पे वेट कर रहा था किसी का। ये क्या कौन सा वेट कर रहे हो ये? मैं हाफिज का वेट कर रहा था यार, कोई हाफिज तो हमारे साथ है और सलाम भी हमारे साथ था। अच्छा मैं इधर आ गया था, मैंने कहा शायद जो तो अकाउंट हैंडल कर रहा है ना तो बाज आ जा। तो गाइस ये है जी हलीम यहाँ का, और ये नान भी और पानी भी आ गया, तो चलो स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं, लेट्स सी कैसा टेस्ट है। से हमने खा लिया है और सोफा पता नहीं कदों हजार से करवा लिया उसका उसका टेस्ट सही था बस यार। और आपको बताऊं तो हमारे लेजेंड आ जाए हैं, जब पूरा वीक की क्लासेस हो जाती हैं तो ये अपनी क्लासेस लेने आ जाते हैं, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही।
फ़लस्तीन के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना इसराइल ने जुल्म किए हुए हैं। मस्जिद अक्सा जो कि बैतुल मुकद्दस है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो है जुल्म किए गए मुसलमानों के ऊपर, तो बस मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए निकलना चाहिए। तो इस वजह से जो है यहाँ पे आज रैली निकाली गई है, तो हम भी पहुँच चुके हैं यहाँ पे। चले आपको बिठाते हैं। सो गाइस यहाँ पे जो है आज हम यहाँ पे आप सब जरा एक दफा इस बात को गौर से सुने। आज जब फलस्तीन और इसराइल की जंग हो रही है, सारी दुनिया के गैर मुस्लिम यहूद और नसारा इसराइल के पीछे खड़े हो गए हैं। उन्होंने स्टैंड लिया उसके खिलाफ, उसके उसकी हमायत में फलस्तीन के खिलाफ। तो मेरी बात सुने यार, एक दफा बात सुने। तो अब हम यहाँ पे खड़े क्यों हुए हैं? हम अपने इन कठपुतली हुक्मरानों से मुतालबा कर रहे हैं यहाँ पे, और बगैर तो जब वो सारे फलस्तीन के खिलाफ खड़े हो गए हैं, हमारे टैक्स का पैसा, हमारा पैसा जिससे तुम लोगों ने ये मिसाइल बनाए हैं, हथियार बनाए हैं, हमें इस बात का जवाब दो हुक्मरानों, क्या तुम लोगों के ये मिसाइल फलस्तीनियों के हक के लिए चलते हैं, कश्मीरियों के हक के लिए चलते हैं? नहीं तो क्यों? हमारा पैसा, आज आज सुनो, पेट्रोल भी सस्ता कर रहे हैं, डॉलर भी नीचे लेके आ रहे हैं, क्यों? उसकी वजह है कि इन लोगों ने सौदा किया फलस्तीनियों के खून का। पाकिस्तानी गवर्नमेंट फलस्तीनियों से रिश्ता क्या? सो गाइज आज हमारी यूनिवर्सिटी में फलस्तीन की हमायत के लिए, बैतुल मुकद्दस की हमायत के लिए रैली निकाली गई है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी ऐसा बयान नहीं आया जिसमें कि पाकिस्तान मतलब जो है वो फलस्तीन की हमायत के लिए वो अपना मतलब बयान दे कि भाई हम भी फलस्तीन के साथ खड़े हैं, क्योंकि सारी दुनिया ने ऐलान किया है जी हम इसराइल के साथ खड़े हैं, और इसराइल ने जितनी तबाही मचाई है कि आप लोगों को पता ही है, इसी हवाले से आज यहाँ पर रैली निकाली गई है। और ये बहुत ही अच्छी बात है, यंग यूथ को जो है वो ऐसा करना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, तो सारी मतलब और जो भी इसराइल की प्रोडक्ट है उसके साथ ही बायकॉट कर दिया गया है। सलातो वसलाम अला रसूल करीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। या मौला करीम, उम्मत मुस्लिमा के हाल पे रहम फरमा, आमीन। पाकिस्तान की खैर फरमा, आमीन। पाकिस्तान के लोगों को नेक फरमा, आमीन। या मौला करीम, इन हुक्मरानों को गैरत अता फरमा, आमीन। या मौला करीम, फलस्तीनी के मुसलमानों को हमें दर्द महसूस करने की तौफीक अता फरमा। अगर इसराइल नहीं रुकेगा तो हम तैयार हैं जाने के लिए। बिल्कुल तैयार है, तैयार है, बिल्कुल जाएंगे यार। मुझे नहीं लग रहा, आज दो दूसरा दिन है और मैं तो लिफ्ट लेके आ रहा हूँ, तो लिफ्ट वाला काम फिलहाल सही चल रहा है। और उसके अलावा आपको बताऊँ तो यहाँ से जो आगे चल के जाना है ना, वो बहुत काम ख़राब है।